बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शायना शम्स। आइए आज की खबर की जानी पढ़ते हैं। सरदार चांडियो बुरहान चांडियो बिन्हीं के एज जवाबदार तौर अस केस में शामिल किया वो। सो हाँ दिसो ही जैसे इन बैल एप्लीकेशन दिनल हुई तो इन अंडरटेकिंग पान ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट कराची में दिनी तो अस वही करे फेस कंदासी ट्रायल के कॉग्निजेंस वगैरह जो थो उनके फेस कंदासी। तो उन हाई कोर्ट में घुराइन बार बार ही अदालतन जो भी टाइम वेस्ट करना जैसे तो मैटर ऑलरेडी डिसाइड थियल अगर जुरिस्डिक्शन मैटर दे अचन था वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी उनका कॉग्निजेंस थी वो तो ही जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर जो बेसिकली इन मकसद यो या तो ही असें थकान चाहन था ही अदालतन जो भी टाइम वेस्ट था कन। आसिफ लाड़काना से रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ बाबर अली खोखर मेहड़ में 4 साल कबल उम्मे रुबाब चांडियो के अहले खाना के 3 अफराधी कतल का मुकदमा आज लाड़काना हाई कोर्ट में पेश हुए। बुरहान चांडियो और सरदार चांडियो की जमानत की दरखास्तें दी गई थी। हाई कोर्ट कराची में खुद हलफ लिया था कि ट्रायल की फीस हम अदा करेंगे। मुलजिमान की जानिब से दरखास्त हाई कोर्ट में दायर करने का मकसद ये है कि हमें तंग करना चाहते हैं। आज कोई पेशरफ्त ना होने की वजह से ये थी कि पहले हमारे मीटर का फैसला करने वाले जज शाह साहब ने हमें ट्रांसफ़र करके 17 अप्रैल की तारीख दे दी। हम कानूनी फीस लेते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहती हूं कि मुझे अपनों के खून का इंसाफ चाहिए। उम्मे रुबाब चांडियो की मीडिया से गुफ्तगू। अज यो थो कई प्रोग्रेस नी सी उन वजह यह ऑनरेबल कोर्ट जे जज साहब पे मैटर डिसाइड करते शाह साहब उन्होंने ट्रांसफर किया। नेक्स्ट तारीख असके 17 अप्रैल। टुडे न्यूज में फेवर इतना ही। मदद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करें। शायना शम्स को इजाजत दीजिए। अल्लाह लेके बांध।